जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा ही होगा, मून की सतह पर लगेंगे लेजर। आज बात करेंगे इसी बारे में। क्या है पूरी खबर, मैं आपको बताऊंगा, आप बस बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा, इसरो का नेक्स्ट मून मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च होने वाला है। चंद्रयान 2 नासा का एक पेलोड लेकर जाने वाला है। चंद्रयान 1 2008 में भी नासा का एक पेलोड लेकर गया था, जिसकी वजह से मून पर वाटर की खोज संभव हो पाई थी। यह बात मैंने मून के अपने पिछले वीडियो में बताई थी। इसीलिए दोस्तों, स्पेस साइंस से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो, आप कर लीजिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए अब बात करते हैं, इस बार इसरो अपने साथ नासा का कौन सा इम्पोर्टेंट पेलोड लेकर जा रहा है। तो दोस्तों, ये पेलोड है रेट्रो रिफ्लेक्टर। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। इस डिवाइस को नासा मून सरफेस पर प्लेस करना चाहता है। ये एक ऐसा डिवाइस या सरफेस है जो अपने पर पड़ने वाले रेडिएशन को बिना स्कैटर किए, यानी बिना इधर उधर बिखेरे, वापस सोर्स तक रिफ्लेक्ट कर देता है। इस डिवाइस को मून सरफेस पर प्लेस करने के बाद नासा गाइडेड लेजर बीम इस रिफ्लेक्टर पर ट्रांसमिट करेगा, और यह डिवाइस इस लेजर बीम को बिना स्कैटर किए वापस अर्थ पर नासा के पास रिफ्लेक्ट कर देगा। इससे नासा पल पल अर्थ और मून की डिस्टेंस बहुत ही सटीक तरीके से पता कर पाएगा। नासा ने यही सेम इंस्ट्रूमेंट इसराइली मून लैंडर बेयरशीट पे भी लगाया है, जो अप्रैल 11 को मून पर लैंड करने वाला है। अब ये लैंडर अगर सक्सेसफुल लैंड कर जाता है तो एक रिट्रो रिफ्लेक्टर सरफेस पर प्लेस हो जाएगा। नासा का कहना है कि वो मून के सरफेस पर अधिक से अधिक लेजर रिफ्लेक्टर एरेस प्लेस करना चाहता है। ये रिफ्लेक्टर कोई पहला रिट्रो रिफ्लेक्टर नहीं है जिसे नासा प्लेस करने का प्लान बना रहा है। मून पर ऑलरेडी नासा 5 रेट्रो रिफ्लेक्टर प्लेस कर चुका है, जिसे अपोलो प्रोग्राम के दौरान मून पर प्लेस किया गया था। बट इन रिट्रो रिफ्लेक्टर में कुछ समस्या है। ये रिफ्लेक्टर्स साइज में बड़े हैं और इनकी टेक्नोलॉजी भी पुरानी है, क्योंकि इन्हें दशकों पहले अपोलो प्रोग्राम के दौरान प्लेस किया गया था। ये पुराने रिफ्लेक्टर्स कई रिफ्लेक्टर्स को मिलाकर बने लार्ज एरे हैं। इस पूरे एरे को इल्यूमिनेट करने के लिए 1000 लेजर पल्सेस की जरूरत पड़ती है, तब जाकर इससे इसकी लोकेशन का पता चलता है। बट ये नए एरे साइज में स्मॉल और लेटेस्ट टेक्निक पर बनाए गए हैं, जिसे इल्यूमिनेट करने के लिए कुछ ही लेजर पल्सेस की जरूरत पड़ेगी और लोकेशन का पता चल जाएगा। क्योंकि मून पर टेम्परेचर काफी वेरी करता है, जिससे सरफेस दिन के समय एक्सपेंड और रात के समय कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इन रिट्रो रिफ्लेक्टर की मदद से नासा सरफेस के डेली राइज और फॉल का भी पता लगा लेगा, जहां पर इन्हें रखा जाएगा।